नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं घरेलू तंत्र विद्या। आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और आज हम आपको अच्छी सी कुछ जानकारी देना चाहें, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, आपके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, आपके धन के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके बिजनेस कारोबार या घर मकान, बच्चों के ऊपर, पति या पत्नी के ऊपर, आपके प्यार के ऊपर किसी भी तरीके का कोई निगेटिव प्रभाव ना पड़े, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको छोटी छोटी सी कई एक जानकारी दूंगा इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, दान करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या कोई और ऐसा वक्त हो, उसमें मुझे दान करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दान करने से कभी घटता नहीं है। आपके पास में 10 रुपए हैं, उसमें से आपने 4 आना किसी को दे दिया, फिर भी आपके पास 10 रुपया बचता है। तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने धन के हिसाब से किसी को दान ज़रूर करिए। और दान हमेशा गेहूं का अगर करेंगे, गेहूं का दान, अनाज का दान, चावल आटे का दान, तेल का दान, किसी भी चीज़ का दान आप करें जो किसी का पेट भर सके। किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को ढूंढिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो दोस्तों, वो एक जीवित मानव है। हमें अपनी मानवता और उसकी मानवता के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ना कि हम अपने ही धर्म के लोगों को दें, ऐसा नहीं है। आप जिसको चाहो उसको दे सकते हो। आपको लगे कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गरीब है, हमें इसको पेट भर खाना खिला देना चाहिए, वो कोई भी हो, उसका नाम पता एड्रेस मत पूछिए, उसको भोजन कराइए, बस एक बात पूछिए कि भाई आपका, बहन आपका पेट भर गया या नहीं। अगर नहीं भरा है तो मैं और व्यवस्था करता हूँ। ऐसा करने वाले इंसान बहुत ही कम मिलेंगे, और जो भी मिलेगा सच्चे पक्के मन का होगा। तो उनमें से एक आप भी बनने की कोशिश करिए। आप आए हैं वशीकरण का वीडियो ढूंढ रहे हैं, और हम आपको शुरू में यही बात बता दिए, लेकिन हम आपको वशीकरण के लिए भी एक टोटका बताएंगे और इसी दान के ऊपर बताएंगे। सूर्य ग्रहण में दान करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करना, जो भी मंत्र आपको मैंने बताए होंगे अब तक के, उस मंत्र का उच्चारण करें, बहुत तेज़ी से असर करता है दोस्तों। जो भी मैंने मंत्र बताए हैं, उनमें से आप जो आपको सरल लगता हो, आप उसको कम समय में, जो लगता हो कि हम उच्चारण कर लेंगे, आप उसको उच्चारण कीजिए, जो वशीकरण के हैं, देखिएगा कितनी तेज़ असर करता है। जो 1 महीने में काम होने वाला होगा वो 1 मिनट में हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा, एक और जानकारी दूंगा कि कुछ लोग घर बनवा रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, खेती, नई खेती की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पेड़ पौधे साफ कर रहे हैं, नए फल आने की तैयारी कर रहे हैं, और वो लोग ज़िद किए हुए हैं कि सूर्य ग्रहण हो या कुछ भी हो, हम अपना मकान बनवाएंगे, हम अपनी खेती करेंगे, हमें गेहूं काटना है, अनाज उपारना है, सारे काम हम करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि 100 साल के बाद ये सूर्य ग्रहण आया है, कम से कम अपने घर में बैठकर आज के दिन प्रार्थना करिए। सूर्य ग्रहण में प्रार्थना करना, स्नान करना, पवित्र रहना, देवी देवताओं को दिल से मानना, उन पर यकीन करना, और अपने और अपने पूरे परिवार के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। वशीकरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको जल्द से जल्द इस बात को बता करके इस वीडियो को बंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी महिला से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपका ये जो काम है नहीं हो पा रहा है, तो आप आज से सात दिनों तक लगातार तुलसी जी पर सुबह भोर में उठकर अपने प्यार का नाम लेकर
वो आपके वश में हो जाए के लिए दुआ करके प्रार्थना करके तुलसी जी पर चुपचाप सीधे हाथों से जल चढ़ा दें। जल जब तक चढ़ाते रहें, और जल कुछ लोग इस तरीके से चढ़ाते हैं वही गलत होता है कि लोटा भर के ले गए और उंडेल के चले आए, ऐसा ना करें। आपको अगर वशीकरण करना है, आप किसी को चाहते हैं, तो आप तुलसी जी के ऊपर जो जल चढ़ा रहे हैं तो धीरे 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 पानी को डालते रहें और अपने प्यार के लिए प्रार्थना करते रहें कि वो आपसे बहुत दिन हो गया है बात नहीं कर रही या कर रहा है, आपसे मिलने नहीं आया है या मिलने नहीं आई है, वो आपसे मिल जाए और उसका मैसेज आ जाए, संदेश आ जाए, बात हो जाए, उसके दिल में हमारे लिए प्यार जग जाए, वो हमसे बेचैन होकर मिलने के लिए कह दे खुद ही, ऐसा बोलते हुए ऐसा करते हुए आप तुलसी जी के ऊपर जल चढ़ा दीजिए। हो सके तो कोई फूल पौधा भी वहाँ पर अगर लगा है तो उस पर भी आप जल चढ़ाइए, और भी घर में जो पेड़ पौधे लगे हैं उन पर भी आप जल चढ़ाइए। ऐसा करना आज से 7 दिन तक बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो बिना किसी मंत्र के आपका वशीकरण ज़रूर होगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो